अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। नई वीडियो में दोबारा से मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये सलमान खान की मूवी होगी जिसके बारे में बात करूँगा मैं। इस मूवी की रिलीज़ डेट बताता चाहूँ कि ये ईद को रिलीज़ होगी। अब ये मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेट कब आएगी, किस लिए आएगी, क्यों आएगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ईद को आएगी, बस इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ देता हूँ कि डेट देख लें आप कि ईद कौन सी डेट को आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि डेट आप लोगों को पता लग जाएगी कि कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है। तो तैयारी मान लीजिए, ईद को ये मूवी रिलीज़ होगी, तो आप लोगों ने ये मूवी जाके देखनी है। मैं ट्रेलर देखने से पहले ही आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बात करने से पहले मेरे ख्याल से ट्रेलर देख लिया जाए, उसके बाद में बात करेंगे ये मूवी। क्या ये मूवी असल में देखने जानी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या कैसी मूवी है, किस तरह के करेक्टर्स हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सारी बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे मूवी का ट्रेलर, उसके बाद ही बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो चलिए देखते हैं मूवी का ट्रेलर, उसके बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। हिंदुस्तान बॉर्डर पर हालत बहुत ही नाजुक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संकट की इस घड़ी में जगतपुर का हर नौजवान अपने देश के लिए खड़ा रहेगा। भारत माता की जय। कुमाऊं रेजिमेंट जिंदाबाद। ट्यूबलाइट। मेरा नाम ट्यूबलाइट नहीं है, मेरा नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह बिष्ट। ये है मेरा भाई भरत। सिर्फ इसे मुझ पे यकीन है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। कूद जा कप्तान, तू भी कूद जा। नहीं, क्या तुझे यकीन नहीं है? हाँ पार्टनर, पूरा यकीन है कि अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। सज्जन रेडियो बजाइयो, बजाइयो, बजाइयो जरा। बंधु, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ कप्तान, कुछ दिन बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा। अगर इंसान के दिल में यकीन हो तो वो चट्टान भी हिला सकता है। तो मुझे और यकीन कहाँ मिलेगा? खूब सारे यकीन। मैं अपने यकीन से भरत को वापस लेके आऊंगा। साला ट्यूबलाइट, तेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा। मेरा भाई जरूर वापस आएगा, बस मुझे ये जंग रोकनी होगी। तो ये था मूवी का ट्रेलर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रेलर पसंद आया होगा, मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोगों ने ये मूवी जाके देखनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूंगा, आपके रिप्लाइज का इंतज़ार करूंगा कि आप लोगों की ये मूवी कैसे लगी। तो मैं रिलीज डेट दोबारा से बताता जाऊँ, डेट नहीं बताऊँगा, बस हिंट दे दूँगा, ये ईद को रिलीज़ होगी। आप लोगों ने बाकी खुद देखना है कि ये ईद कब आ रही है, कब आएगी, क्यों आएगी, किस लिए आएगी, क्यों आती है, ये चीज़ें आप लोगों को खुद ही हल करनी होंगी। तो मैंने जितना बताना था आप लोगों को बता दिया रिलीज़ डेट के बारे में। अब मैं बताता चाहूँ कि इसके डायरेक्टर हैं कबीर खान, इसके साथ ही सलमान खान के भाई भी इस मूवी में नजर आएंगे। देखेंगे इन दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी रहती है इस मूवी के अंदर। फिर भी मैं बताता चाहूँ, सलमान खान के भाई इतने नज़र नहीं आएंगे इस मूवी के अंदर, फिर भी देखेंगे कैसा कॉम्बिनेशन रहता है इन दोनों का इस मूवी के अंदर। फिर भी ये मूवी सलमान खान के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि सलमान खान का पैसा लगा है इस मूवी पे, प्रोड्यूसर इस मूवी के सलमान खान ही हैं, तो इस मूवी में सब कुछ सलमान खान ही करेंगे। जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो बजरंगी भाई जान को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि सलमान खान की मूवी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त मूवी थी वो। और अब इस मूवी पे सवाल उठता है कि क्या ये मूवी ज़बरदस्त होगी। इस मूवी के बारे में बताता चाहूँ कि ये मूवी पहले भी बन चुकी है, हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसकी ये कॉपी है, रेप्लिका है कह लीजिए, या फिर इंडियन वर्जन कह लीजिए। ये
सारी चीज़ें मिल के एक चीज़ बन जाती है जो कि ट्यूबलाइट कहलाएगी। ये हॉलीवुड मूवी लिटिल बॉय का इंडियन वर्जन होगा जो कि आप लोगों को नज़र आएगा हिंदी के अंदर। तो आप लोग जो हिंदी समझते हैं, हिंदी हो जाए उर्दू हो जाए, सेम टू सेम है, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने ये मूवी जाके देखनी है, देखेंगे ये वर्जन कैसा होगा, किस तरह इन्होंने बनाया है, क्या नई चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। तो ये मूवी कहानी आप लोगों को ट्रेलर देख के पता लग जाएगा किस तरह की है, ये मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। डायरेक्टर कबीर खान है। जो सलमान खान की एक्टिंग है इस मूवी में वो मुझे थोड़ी सी इम्प्रूव लग रही है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि सलमान खान ने पैसे लगाए हैं इस वजह से। बहरहाल ये देखेंगे पूरी मूवी तो ही पता लगेगा क्या सीन है, कैसी एक्टिंग हुई है, कैसे एक्टिंग सारे करेक्टर्स ने की है। तो ये देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी ये मूवी। तो मूवी देखने के लिए हमें जाना होगा सिनेमा। बेशक आपके पास हो सिनेमा, बेशक आपसे दूर हो या बेशक बहुत दूर हो, आप लोगों ने जाना है। और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूंगा आपके रिप्लाइज़ का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, उस पर फॉलो कीजिएगा। शायद इस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं उसका लिंक नज़र आ जाए। आप लोगों को नहीं भी आता तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके उधर भी फॉलो कीजिए। उधर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई मगर होंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर भी अभी तक के लिए इतना ही, नई वीडियो में दोबारा से मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।